जून मास माँ की याद दिलाता है, जनवरी मास बाबा की याद दिलाता है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं तो यादें और ताजा होती हैं, बढ़ती जाते हैं। और न सिर्फ याद की बात है, परंतु उनकी जो विशेषताएं हैं तो उनको हम अधिक से अधिक उसका अभ्यास करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो रोज यहाँ पर भी मम्मा के गीत बजते हैं पहली तारीख से, और आज हम वहां से गीत सुन रहे थे, ममता की वो मूरत। और यहाँ जब बैठे थे तो ऐसा ही फील हो रहा था, आज हम सैन फ्रांसिस्को में बैठे हैं, पुणे में नहीं लेकिन वहां बैठे हैं। तो बहुत अच्छी एक फीलिंग। दूसरी बात कि आज यहाँ शुक्रवार है और वहां सद्गुरुवार है, तो ये दोनों का संगम हो गया ना। यहाँ सुबह है वहां शाम है, तो वहां के हिसाब से हम चलेंगे ना। तो वहां 24 जून, और इस बार ड्रामा अनुसार ऐसा हुआ कि 24 जून सतगुरुवार, और सतगुरुवार ही मम्मा का दिन। 1965 में मम्मा ने सतगुरुवार को ही अपना पुराना देह का हिसाब पूरा किया था। सभी को ज्ञात है, फिर भी हम सुनेंगे कि बाबा और मम्मा जब साकार में थे तो दोनों ने मिलकर के बड़े प्यार से, जहां बाबा की कुटिया है तो वहां पर अंगूरों के बेल लगाई थी। बहुत सारे अंगूर आते थे, यहाँ पूना में भी हर साल वह अंगूर कोई ना कोई के द्वारा आ जाते थे, जो माँ की और पिता की याद दिलाते थे। तो वो अंगूर की जब बेल लगाई तो पहला पहला फल फ्रूट या ग्रेप्स अंगूर वह उस समय आया 65 में, और मम्मा ने अपने हाथों से सतगुरुवार भोग के पश्चात एक-एक यज्ञवत्स को इतनी पावरफुल दृष्टि देते हुए सभी को अंगूर खिलाए। ये लास्ट की टोली मम्मा की, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब मम्मा दृष्टि दे करके सबको अंगूर खिला रहे थे तो मम्मा के चेहरे पर इतना तेज, इतना ओजस्वी, ऐसे दादिया बताते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई हजारों वाट का बल्ब जल रहा हो, इतना मम्मा के चेहरे पर तेज। देखो उनकी तबीयत भी कैसी थी, बीमारी भी कैसी थी, लेकिन फिर भी बाबा की याद में इतना मगन, बाबा की तपस्या में जो शरीर का कोई भान ही नहीं, बहुत शरीर से ऊपरा। फिर शाम को करीब 4 बजे मम्मा का पार्ट इस साकार देह से पूरा हुआ। फिर बाबा को भी ऐसा लगा कि बाबा का जो राइट हैंड कहो या बाबा के आज्ञाकारी बच्चे कहो, तो बाबा को भी थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति होता ही है, लेकिन फिर भी बाबा और मम्मा दोनों ड्रामा के ऊपर बहुत अडोल, क्योंकि जब मम्मा की बातें सुनते हैं, मम्मा की बातें पढ़ते हैं, तो मम्मा को भी जब पता चला ऐसे ऐसे बीमारी है तो मम्मा को कुछ फीलिंग नहीं आई, कोई भी बात की नहीं। और फिर जब ऐसा इलाज करते करते, ट्रीटमेंट करते करते पता चला कि अभी 3-4 महीने ही मम्मा का शरीर जो है वो साथ दे सकेगा, जब रमेश भाई जी ने बाबा के डायरेक्शन के अनुसार
मम्मा को पत्र लिख करके दिया, तो मम्मा ने पत्र पढ़ा और कहा, ड्रामा की भाभी। थोड़ा भी चेहरे पर परिवर्तन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ बाबा को दे दिया था। बाबा का यह तन जितना समय चलाना है उतना समय चलाए। और हम लोग सभी भाई बहने जो है ड्रामा का ज्ञान जानते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हिल जाते हैं और उसके बाद कहते ड्रामा। लेकिन बाबा और मम्मा, और खास मम्मा जो है, ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छी तरह से समझाते थे सबको, और खुद भी ड्रामा के ऊपर बहुत निश्चिंत रहते थे कि ड्रामा में जो होता है वो कल्याण के लिए है, वो भले के लिए है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। इस प्रकार से मम्मा बहुत अपने पुरुषार्थ में निश्चिंत, और सुबह उठकर तपस्या करना, बाबा को याद करना, सब तरफ बाबा के वाइब्रेशन फैलाना। और एक बार बड़ी दादी जी ने मम्मा को पूछा, प्रकाश मणि दादी जब थे, तो मम्मा को पूछा कि इतनी सभी बहनें बाबा के यज्ञ में आई, कोई मम्मा से पहले भी ज्ञान में आए थे? उसमें दादी दीदी मम्मा के पहले ज्ञान में आए, लेकिन बाबा ने आपको ही मम्मा क्यों बनाया या कैसे बनाया? क्या विशेषता आपके अंदर बाबा ने देखी जो आपको मम्मा बनाया? तो मम्मा ने कहा, ये तो बाबा जाने, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो मम्मा जवाब देते। तो मम्मा ने कहा कि मेरे अंदर ये विशेषता बाबा ने देखी कि मैं बाबा की आज्ञाकारी होकर रहती हूँ। बाबा जो कहते हैं तो हाँ जी, उसमें जरा भी अपना संकल्प, थोड़ा भी अपने मत को मिलाते नहीं, मिक्स नहीं करते। जैसे बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा, हाँ जी बाबा। और ऐसे उनका प्रैक्टिकल था, सिर्फ कहने की बात नहीं। एक बार बाबा ने कहा कि बाबा को राजाओं महाराजाओं को कुछ चित्र भेजने हैं, विदेश में चित्र भेजने हैं। बाबा का बहुत सोच चलता था, भले एक स्थान पर रहते थे लेकिन कैसे पूरी दुनिया में बाबा का संदेश जाए, बाबा का ज्ञान मिले। तो 15 दिन में वह चित्र बनकर तैयार हो जाए। बहुत सारे चित्र बनाने थे। बाबा ने मम्मा को डायरेक्शन दिया, मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर जो चित्र बनाने वाले ग्रुप थे, कुछ भाई बहने, मम्मा ने आकर के उन सबके सामने वो बाबा की बात रखी। फिर वो कहने लगे कि इतने सारे चित्र बनाने हैं तो इतने जल्दी कैसे बन जाए? आप बाबा को बताते थे ना मम्मा कि थोड़ा तो और ज्यादा टाइम दिए ताकि चित्र बन सके। तो मम्मा ने कहा कि देखो, बाबा का कहना माना भगवान का कहना। बाबा कहता है, बाबा को ज्यादा पता है, मालूम है, और वो हो सकता है इसलिए बाबा कहते हैं। हमारे से ज्यादा बाबा जानता है। फिर सबने चित्र बनाना शुरू किया। जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए तो रात दिन करके वह चित्र समय के पहले बाबा को दे दे। तो इतना बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, और बाबा की आज्ञा सिर्फ ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बाबा को देखते थे, लेकिन बाबा के मुख से जो निकला, यानी ये भगवान के महावाक्य है, और भगवान जो कहता है वो अवश्य होगा या उसमें सफलता मिलेगी। एक बार की बात है कि अपने लच्छू बहन, आप सभी को पता होगा, जो ईशु दादी के लौकिक में छोटी बहन थे, उन्होंने तो पहले ही शरीर छोड़ा था ईशु दादी ने अभी, तो
एक बार ऐसा हुआ, कुछ भाई बहने बाबा के कमरे की सफाई कर रहे थे। जब भी आप बाबा का कमरा देखते हैं, वहां पर ही बाबा का एक खटिया, पलंग जिसको कहे, खटिया, चारपाई, तो वह है। तो बाबा वहां ही रहते थे। और बाबा का जो कमरा है बहुत साधारण सा था और आधा ही था, अभी तो बड़ा बना है, उसको डबल किया। तो बाबा के कमरे की सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते वहां पर एक घोंसला था चिड़िया का, तो उसमें दो अंडे थे उस घोंसले में। तो सफाई करते वो घोंसला निकाला और वो चिड़िया के जो अंडे थे वो एक पेपर पर रखकर भाई बहने बहुत प्यार से बाबा को दिखा रहे थे। देखो बाबा, ये चिड़िया के अंडे हैं। बाबा ने कहा, अच्छा मम्मा को बुलाओ। और मम्मा को बुलाओ, मम्मा ने जब सुना कि बाबा बुला रहे हैं तो मम्मा तुरंत आ गई, क्योंकि मम्मा तो आज्ञाकारी बाबा की। तो बाबा ने ऐसे कहा, मम्मा आओ बैठो, बाबा के सामने बैठो, आज बाबा मम्मा को चिड़िया के अंडे खिलाएंगे। तो मम्मा मुंह खोलो, मम्मा ऐसे मुंह खोल करके बाबा के सामने बैठ गए। और फिर सब जो खड़े थे ना, वो सोच रहे थे, अब बाबा कैसे, बाबा ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन मम्मा ने जरा भी संकल्प नहीं किया, बाबा ने कोई अंडे मुंह में नहीं डाले, लेकिन बाबा ने कहा और एकदम निर्संकल्प होकर बाबा के सामने बैठ गए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे मम्मा ने अपने जीवन के अंदर सारी बातों को अपनाया, कोई भी बात में मम्मा ने ना नहीं कहा। बाबा जहां भी भेजते थे सेवा के लिए तो मम्मा वहां पर जाते थे। अधिकतर मामा कानपुर में भी गए और अन्य जैसे पंजाब के तरफ, बेंगलोर के तरफ, पुणे में भी कई बार आए। उस समय तो हम पुणे में नहीं थे, लेकिन जहां जहां जैसे बॉम्बे वगैरह, जहां जहां मामा के कदम पड़े तो वहां वहां बाबा की सेवाएं अच्छी तरह से हो रही हैं। बाबा भी साकार में थे तो जाते थे, मम्मा भी बहुत पालना करती थी। और सिंधी भाई बहनों की बहुत सेवा हुई, खास करके पुणे में मम्मा के द्वारा। वो कहते थे कि मम्मा का एक ही लेक्चर हमने सुना, एक ही भाषण सुना, तो इतना उसमें भाषण में पावर, इतनी भाषणा, जो एक भाषण में हम बाबा के बच्चे बन गए, हमें निश्चय हो गया ये भगवान का ज्ञान है, तो हमें भगवान का बन जाना है। तो इतना निश्चय से बाबा का ज्ञान सुनाते थे, और जो सुन करके सुनने वाले एकदम सोचने लगते थे कि ये क्या है, इतनी छोटी कन्या और इतना बड़ा ज्ञान देते हैं। और वो ऐसे कन्या के रूप में भी नहीं देखते थे, क्योंकि मम्मा ने तो साड़ी वगैरह भी इस प्रकार से पहनते थे और मम्मा का रूप भी बदल गया था। तो हम कई बार यही बात के ऊपर विचार करते हैं कि देखो मम्मा कुमारी, तो एक कुमारी को बाबा ने माँ का रूप, माँ का टाइटल जगदम्बा का दिया, तो मम्मा ने अपने आप को कितना परिवर्तन किया होगा, कितना माइंड से चेंज किया होगा कि मुझे सब बच्चों की पालना करनी है। भले लौकिक में बच्चे नहीं, लौकिक में वो माँ नहीं, लेकिन मुझे इतने बच्चों की पालना करनी है और बच्चों का आह्वान करना है, नए बच्चों का आह्वान करना है योग बल से। तो योग बल के सब बच्चे बनते हैं, तो कितना पुरुषार्थ किया, कुमारी होते भी माँ का पार्ट बजाया। और माँ का रोल आप जानते हैं, सभी हम जानते ही हैं कि माँ का रोल कैसा होता है। तो उसमें उनको बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत प्यार दुलार देना पड़ता है, तभी बच्चों के संस्कार अच्छे बनते हैं। ऐसे मम्मा ने सब एक एक भाई बहनों के ऊपर, खास बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की।
कोई कोई बहनें जब मम्मा के सामने आते थे कुछ बताते थे एक दूसरे की बातें, तो मम्मा दोनों को संतुष्ट करके भेजते थे। ऐसी बातें उनके साथ करते थे जो दोनों भी संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी नाराज ना रहे। और कभी भी जो है मम्मा किसी की भी बात को अपने दिल पर नहीं रखते। ऐसे नहीं कि कुछ बात हुई फिर इनको बताना उनको बताना, नहीं। जैसे माँ होती है कैसे अपने बच्चे की बातों को छिपाती है, ऐसे अपने नेबर्स को या अपने मित्रों को दोस्तों को वगैरह नहीं बताते। ऐसे मम्मा ने एक-एक की बातों को समा कर रखा, और जिस सामान्य के आधार से उन्होंने सबको समान प्यार दिया, सबकी पालना की, सब कुछ सबका मालूम होते हुए भी फिर भी मम्मा जो है वो अपने पुरुषार्थ में अग्रसर रहे। कोई भी बात को, बीती बात को या यहाँ वहां की बातों में ध्यान न देकर मम्मा अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहे। जैसे मम्मा की बातें हम सुनते हैं तो मम्मा बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को रखते, कभी भी बाह्य मुक्ता में या जोर से हंसना, क्योंकि बाबा की जो भी शिक्षाएं थी उनको इतनी अच्छी तरह से वो अपने जीवन में लाते थे कि बाबा ने जो कहा वो करना है, बाबा का कहना और मम्मा का करना। तो हम सभी भी सुनते हैं कई बार बाबा की मुरली में कि जोर से हंसना भी विकार है, जैसे 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य विकार छोटे छोटे। ऐसे बाबा ने कहा जोर से हंसना भी विकार है, तो मम्मा कभी जोर से नहीं हंसते, मुस्कुराते थे, रमणीक रहते थे, गंभीर रहते थे, परंतु कभी जोर से हंसते नहीं थे, क्योंकि बाबा ने कहा ये विकार है। तो हम ब्राह्मणों के पास तो विकार रहने नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते हैं ना, सभी कभी जोर से हंस भी देते हैं कभी नहीं भी। तो मम्मा का इतना अपने पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान रहता था। वैसे मम्मा लौकिक में भी बहुत होशियार थे, लौकिक पढ़ाई में, डांस में, हर बात में मम्मा नंबर 1 लेते थे। जब बाबा के यज्ञ में आए, भले थोड़ा सा बाद में आए, फिर भी बाबा ने उनको बड़ा बनाया, निमित्त बनाया। वैसे बाबा खुद निमित्त है, लेकिन फिर भी बाबा ने अपनेपन का त्याग किया, मम्मा को आगे रखा, मम्मा को निमित्त बनाया। अब ये जगदम्बा जो है यज्ञ माता है, जो भी हमारी पालना करेगी उसी अनुसार हम चलेंगे। बाबा ने उनको यज्ञ माता बनाया, किस लिए बनाया? क्योंकि बहनें ज्यादा थी अपने यज्ञ के अंदर, तो उनकी पालना अच्छी तरह से हो, उनको क्या चाहिए तो बहने बहनों को ठीक से बता सकेंगे। तो बाबा के भी ये बहुत निर्माण था कि बाबा ने मम्मा को आगे रखा, मम्मा को निमित्त बनाया, एक कन्या को निमित्त बनाया। और बाबा और मम्मा की आयु में भी बहुत अंतर, बहुत डिफरेंस। जब बाबा ज्ञान में आए, बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, तो उस समय बाबा की आयु थी 60 साल और मम्मा की आयु कुछ 18 साल। तो कितना अंतर, फिर भी बाबा मम्मा को मम्मा कहकर बुलाते थे, जाओ मम्मा को बुलाओ, जाओ मम्मा से पूछो, देखो मम्मा की क्या राय है, देखो मम्मा क्या कहती हैं। तो बाबा हमेशा मम्मा को आगे करते थे। तो बाबा का भी कितना ये कि जैसे छोटी कन्या को माँ बना दिया, और इतना तक नहीं, उनकी जो लौकिक माता जी रोजा दादी जो थे, या रोजा बहन कहो माता कहो, तो उनके लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहकर पुकारते थे। तो इसलिए बोलते ना कि ये कितना वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल राज कहो या खेल कहो, कि जो माँ के भी माँ बन गई।
माँ के भी माँ बन गई और सबको एक बच्चे की दृष्टि से उन्होंने देखा, लेकिन मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे सब अच्छे रहे, बाबा के बच्चों को सब कुछ ठीक से मिले। इसलिए मम्मा कभी भी कोई बात नहीं कुछ कहते नहीं थे, खुद करने लगते थे, कुछ कर्म ना सेवा है देखते थे, अभी तक भाई बहने नहीं आ रहे करने के लिए, तो मम्मा खुद सब्जी काटने के लिए, सब्जी साफ करने के लिए बैठ जाते थे। तो जब मम्मा बैठते थे तो एक ने देखा वो सबको बताते, देखो मम्मा सब्जी काट रहे, देखो मम्मा सब्जी साफ कर रहे हैं, तो सब भाई बहने आ जाते थे, मम्मा हम करेंगे, मम्मा आप नहीं करो हम करेंगे। अगर कहेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा ना कि आओ सब्जी काटने के लिए, लेकिन मम्मा खुद करके सबको सिखाते थे। तो जैसे हम बता रहे थे कि लौकिक में भी मम्मा नंबर वन, ऐसे बाबा के यज्ञ में भी मम्मा नंबर वन, और सत्युग में भी बाबा कहते वो नंबर वन हो गए। बाबा कभी कहते मुरली में कि मम्मा तो कुछ लेकर नहीं आई, और फिर भी मम्मा आगे चली गई। कभी कभी कोई कन्याएं ऐसे सोचते हैं ना कि हम कुछ तो कमाई करें, कुछ तो बाबा के यज्ञ में धन सेवा करें। ठीक है, अगर कोई धन सेवा कर सकते तो बात अलग है, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे मम्मा के लिए कि देखो मम्मा ने तन और मन से इतनी अच्छी तरह से बाबा के यज्ञ की सेवा की, जो कितने आत्माओं को बाबा ने मम्मा ने समर्पित कराया, तन मन धन सहित समर्पित कराया। तो धन से सेवा तो मम्मा ने कराई, भले खुद नहीं की लेकिन बहुत से आत्माओं से कराई। इसलिए ये ज्ञान धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। ज्ञान धन के आधार से आत्माएं बाबा के नजदीक आए, समीप आए और कई समर्पित हो गए। तो मम्मा ने बाबा का ज्ञान सुनाकर के उन आत्माओं को समर्पित किया। तो जैसे बाबा कहते ना, कोई किसी से सेवा कराते हैं तो उनका भी शेयर, उनका भी हिस्सा हो जाता है। तैसे मम्मा ज्ञान धन के आधार से स्थूल धन में भी धनवान बन गई। इसलिए बोलते हैं धन की देवी लक्ष्मी। तो श्री लक्ष्मी भविष्य में बनने वाले, तो वो उनको धन की देवी कहा जाता है। तो मम्मा ने ज्ञान धन इतना बांटा, इतना सबको क्या बोलते हैं धनवान बनाया, तो वह खुद भी धन की देवी कहलाई। तो बाबा के यज्ञ के अंदर उनका पार्ट जो चला वो एक विशेष पार्ट रहा। और बाबा के यज्ञ में इतने सब भाई बहने थे, इतने सब भाई बहनों को राजी करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने सब भाई बहनों को संतुष्ट करना या उनको जो चाहिए उस प्रकार से उनको सुविधा देना, लेकिन बाबा के डायरेक्शन के अनुसार ही मम्मा चलती थी। जैसे बाबा कहते थे उसी अनुसार मम्मा करते थे। तो जब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तभी वो कभी ऐसा कहते नहीं थे, हॉस्पिटल में भी रहना हुआ। और जब मम्मा की सेवा में जमुना दादी मम्मा की सेवा में थे साथ में, जब वो बैठ करके कभी हॉस्पिटल में दोनों मम्मा और वो जमुना दादी बैठकर बात करते थे, और उसी समय अगर कोई डॉक्टर आ जाता था चेक करने के लिए देखने के लिए, तो डॉक्टर आके पूछता था पेशेंट कौन है, क्योंकि दोनों बैठे हैं बातें कर रहे हैं अच्छी तरह से, बाबा के ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो मम्मा के चेहरे से कभी ऐसा दिखाई नहीं देता था उनको कुछ बीमारी है। हालांकि इस बीमारी में बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत दर्द भी होता है, लेकिन मम्मा की सहन शक्ति इतनी ज्यादा है, या अशरीरीपन का अभ्यास इतना और बाबा के साथ इतना प्यार, तो प्यार में उनको कुछ फीलिंग नहीं रहती। एक बार मनोहर दादी ने मम्मा को कहा,
क्योंकि देखते थे ना मम्मा को कितनी तकलीफ है, लेकिन मम्मा कभी दिखाते नहीं थे। तो मनोहर दादी ने मम्मा को कहा कि मम्मा आपको इतनी तकलीफ है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे सोचते ना बाबा की इतने अनन्य बच्ची और इतना ये सब तकलीफ हो रही है, तो मम्मा आपको कुछ नहीं लगता है क्या? तो मम्मा ने कहा कि देखो अभी हमारे जो हिसाब किताब है वो बाबा की गोदी में चुप्त हो रहे हैं, अभी हम बाबा की याद की गोदी में बैठ करके चुप्तू कर रहे हैं। अगर हिसाब रह जाएगा तो हमको धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी अच्छी या बाबा की गोद अच्छी, तो सामने वाला क्या करेगा? हाँ, क्या सोचेगा, क्या जवाब देगा? तो मामा के जवाब भी ऐसे होते थे जो सामने वाला शांत हो जाता। तो ऐसे हम सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि जैसे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने कैसे प्रकृति के ऊपर जीत पाई, बीमारी होते हुए भी बीमारी का कुछ कॉन्शियस नहीं कि हम बीमार हैं। जैसे बड़ी दादी को भी कभी पूछते थे ना, प्रकाशमणि दादी के, अभी मम्मा के साथ और भी दादियां याद आ जाते हैं, तो दादी को पूछते थे कि सभी भाई बहने पूछ रहे हैं दादी तो क्या लिखे लेटर में कि दादी की तबीयत कैसी है, तो दादी कहती थी कि हाँ लिख दो ओके। तो बोले कैसे लिखे ओके, आप अभी मुरली नहीं सुना सकते, थोड़ी सी मुरली सुनाते हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दादी कहती थी ये तो 19-20 चलता रहेगा है, यानी कभी कम ज्यादा कभी थोड़ा तबीयत का ऐसा हिसाब, ये तो 19-20 चलता रहेगा, बाकी दादी ओके है, दादी ठीक है। ठीक का मतलब क्या कि आत्मा रूप में या मानसिक रूप में वो ठीक है, भले शरीर का जो हिसाब किताब है वो अपना चलता रहेगा, वो चुप तो होता रहेगा, ये तो आएगा और जाएगा, लेकिन आत्मा तो बहुत हेल्दी है, माइंड से बहुत हेल्दी है, आत्मा बहुत खुश है। और ऐसे ही मम्मा जो है ये जैसे एग्जाम्पल बन के गए, इसलिए दादियों ने दीदियों ने इतना अच्छा सा पार्ट बजाया, कोई भी बीमारी होते हुए भी जैसे वो सेवा का साधन बन गया, सिर्फ बीमारी बीमारी नहीं रही, या हॉस्पिटल में भी गए लेकिन अनेक डॉक्टर्स की भी सेवा होती, तो जैसे वो बीमारी एक सेवा का साधन बन गई, तैसे मम्मा ने भी बहुत अच्छी तरह से अपना सेवा का पार्ट बजाया। और यही हम देखते हैं जो कभी नहीं कब कोई ऐसे बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा अंदर से आवाज करते ऊ ऐसे, फिर बाबा कहते देखो मम्मा कभी भी हाँ वो ऐसे नहीं करते, तो देख देख करके सुन सुन करके ऐसे लगता है ना कि हमारी भी अवस्था ऐसे बने, हमारी भी अवस्था ऐसे बने। बाबा मुरलियों में बहुत बातें हमें बताते हैं और उसकी बहुत गहराई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी कोई बीमारी वगैरह आ जाती है या कुछ ऐसी बातें होती हैं उसका वर्णन नहीं कर कि हमें ऐसा तकलीफ है, हमें ये दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, जितना आप उसका वर्णन करेंगे बताएंगे उतना आप उसका रूप बन जाएंगे। और अगर कहेंगे कुछ नहीं सब ठीक है या है तभी भी ठीक हो जाएगा सब कुछ अच्छा है, तो आपको कुछ बीमारी का फीलिंग नहीं आएगी और आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। और बाबा की सेवा में जब बच्चे रहते हैं तो इतने बाबा की मदद मिलते हैं कि जो सेवा में रहते हुए उस बीमारी का भान नहीं रहता। बाबा कैसे अपने बच्चों से सेवा करा लेते हैं, भले है भी कुछ परंतु थोड़े समय के लिए तो उस समय ठीक कर देते हैं, कर देते नहीं लेकिन वो सेवा का एक बल, एक सेवा का फल ऐसा मिलता है कि जो बीमारी का रूप नहीं या वीकनेस नहीं या कमजोरी नहीं,
ऐसे लगता है कि हमें कुछ भी नहीं है, देखो कैसे हो गया, कैसे बाबा ने मदद की, कैसे ये कार्य जो है वो पूरा हो गया। तो बाबा के यज्ञ के अंदर एक एक आत्मा का बहुत महत्व है। कभी भी हम ऐसा नहीं सोचे हम तो छोटे हैं, हम तो नए हैं, हम तो अभी अभी आए, हम क्या कर सकते। नहीं, बाबा कहते हैं देखो जो नए नए पत्ते निकलते ना वृक्ष में, तो उनका उनकी शोभा बहुत अच्छी होती है। ऐसे बाबा की छोटी छोटी कन्याएं या नए नए बच्चे भी पुरुषार्थ में तीव्र जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा के यज्ञ के अंदर समय की बात नहीं है कि कौन कितने सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, समय की बात नहीं है, लेकिन ये धारणा की बात है कि कितना हम बाबा के ज्ञान में पक्के हैं, कितना निश्चय बुद्धि है, कितने हम अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। तो सभी बातों के आधार से हमारा भाग्य बनता है। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा साल से ज्ञान में चल रहे हैं तो वही आगे जाएंगे, वही माला के मन के बनेंगे या वही विजयी बनेंगे, लेकिन बाबा के हर बच्चे के लिए बाबा ने मैदान खाली रखा है कि कोई कितना भी दौड़ सकता है, कितना भी आगे जा सकता है, पहला नंबर ले सकता है, दो नंबर ले सकता है, साथ में आ सकते हैं, राजाई घराने में आ सकते हैं, सिर्फ हमारे पुरुषार्थ के ऊपर कि कोई आपको पुरुषार्थ के लिए याद के लिए रोकेगा नहीं। जैसे कंपनी का रेस होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहो या युवा दौड़ रहे हैं या जिनकी भी रेस होते हैं, उसमें कभी कोई किसी को ऐसा रुकावट भी डाल सकता है, लेकिन इस बुद्धि के रेस में कोई रुकावट नहीं, कोई इसमें वेदर की भी रुकावट नहीं है, कोई व्यक्ति की रुकावट नहीं, कोई साधनों की रुकावट नहीं, लेकिन ये अपने बुद्धि जो है वो ठीक होना चाहिए, मन की कोई रुकावट ना आए, मन में कोई ऐसे विचार ना आए या कोई की यादें ना आए, बस हमारी रेस जो है बाबा को याद करने की। तो अच्छी तरह से हम बाबा के साथ कनेक्ट रहे, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहे, क्लीन रहे, तो फिर हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ, तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि ये साइलेंस पावर है। जैसे देखो साइंस के लिए भी बताया जाता है, उसके जो साधन है वो कुछ लिमिट तक है, कुछ दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन मन से हम कितना दूर साइलेंस पावर से, संकल्प शक्ति से कितना दूर चले जाते हैं, सूर्य चांद से भी पार चले जाते हैं, परलोक में पहुंच जाते हैं, और एक सेकंड में, कोई उसमें साधनों की आवश्यकता नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये योग साधना है, इसमें कोई साधन रुकावट नहीं डाल सकते। जैसे आजकल ये हम जो साधनों के आधार से एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ये जूम से, ये लैपटॉप से या इंटरनेट से वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी साधन भी बिगड़ जाता है ना, लेकिन हमारी साधना तो नहीं रुकती, ऐसा कहे ना। ऐसा नहीं कि ये नहीं चल रहा है तो हम योग कैसे लगाएंगे, या कभी गीत बीच में बंद हो गया तो योग कैसे लगाएंगे। और ही अच्छा लगता है साइलेंस में, अगर गीत बजते बजते कभी बंद हो जाता है तो यहाँ पर भी जब मैंने गीत बजाती तो थोड़ा सा ये हो जाते, बंद होगा भी क्या करता हूँ, उनको इशारा करते कि कोई बात नहीं, तो साइलेंस में और अच्छा। तो ऐसा नहीं कि साधनों के आधार पर हमारी साधना है, लेकिन हमारी जो साधना है वो मन बुद्धि के है, मन बुद्धि इधर उधर ना जाए। अगर गीत अच्छा बज रहा है, लाल लाइट भी अच्छी है, बहुत भाई बहने सामने भी बैठे हैं सॉरी, फिर भी हमारी बुद्धि अगर कहाँ चली जाती है, तो ये तो बुद्धि के ऊपर मदार है ना, मन के संकल्पों के ऊपर आधार है। तो जितना हम अपने माइंड को ठीक से बाबा से कनेक्ट कर देते, सब विचारों को किनारे कर देते, सभी यादों को साइड में कर देते हैं, तो फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन हमारा बाबा के साथ होता है। और ये बाबा के योग की विशेषता है, ये राजयोग की विशेषता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा योग है ना। बाकी तो योग एक दूसरे के साथ लगाते रहते हैं, लेकिन ये भगवान के साथ योग जो सर्वोच्च है, सर्व सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है,
उस गॉड के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो हमें प्राप्ति भी तो इतनी ऊंची होती है। तो हम कहां भी देश में विदेश में सेवा के लिए संकल्प से पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि वहां कैसे जाएंगे, लेकिन ये साधना ऐसी, ये साधना ऐसा साधन है कि जब एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं की सेवा या अनेक स्थानों की सेवा, जैसे अभी वहां का जो समय है तो वो शाम का समय है, नुमा शाम का, यहाँ तो सुबह का है, अभी 7:15 बज रहे हैं सुबह के, तो वहां शाम का समय है, तो शाम का और सुबह का टाइम जो है वो योग साधना के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वहां शाम का संध्या का समय है, नुमा शाम है, तो जैसे भक्ति में भी बताया जाता है कि शाम के समय दीप जलाना घर में या भगवान को याद करना, क्योंकि शाम के समय जो है फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, देवताएं घूमते हैं, ऐसे अज्ञान काल में मानते हैं, परंतु हम उस बात के बारे में सोचते हैं कि बाबा के जितने भी बच्चे हैं देश में हो या विदेश में हो तो बाबा को याद करते हैं, खास करके 2 टाइम तो अच्छा सब संगठन में करते हैं, बाकी टाइम तो अलग अलग। तो हम सभी जो होवनहार फरिश्ते हैं या देवताएं हैं तो हम मन से चक्कर लगाते हैं, मन से सबके सेवा करते, सबके कल्याण का संकल्प करते, सबके लिए मंगल का संकल्प करते, सबके लिए शुभ संकल्प करते, तो यही जो वाइब्रेशन है सभी के पास पहुंचते हैं। इसलिए बोलते कि योग साधना के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो आप सभी भी नमाज शाम के समय बैठे हैं वहां पर, और हम भी ऐसे ही फील कर रहे हैं कि हम आपके साथ बैठे हैं, इतना दूरी नहीं है लेकिन सामने बैठे हैं। तो अभी हम थोड़ा समय योगाभ्यास करें, 15-20 मिनट करें योगाभ्यास थोड़ा, क्योंकि नमाज शाम है तो थोड़ा सा हम सकाश देने की सेवा करें। तो लाइट चेंज कर देंगे बहने, इस जून मास में मम्मा के स्मृति दिन के उपलक्ष में हम अपनी अलौकिक माँ का दुलार प्यार रूहानी स्नेह अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे विचारों का भी ध्यान रखती, हमारे संग के भी संभाल करती, तो कल्प में एक बार हम थोड़े से बच्चों को, भाई बहनों को, फोटो में कोई आत्माओं को मिलते, तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं, हमारे भाग्य के सामने तो 1,000,000 पदम कितना भी लगाए तो कम है। इस संगम युग पर हम सभी यही पुरुषार्थ करते हैं, संकल्प करते,
सोचते हमारा अधिक से अधिक समय बाबा और मम्मा के सानिध्य में बीते या बाप दादा के साथ। तो चलो अभी संकल्प शक्ति से हम मधुबन पांडव भवन पहुंच जाते। पांडव भवन के गेट पर जब पहुंचते तो सामने बाबा और मम्मा को देख रहे हैं। दोनों बड़े प्यार से हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, वेलकम। हर एक अनुभव करें। मेरा एक हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ है, दूसरा मामा ने। और धीरे धीरे मधुबन के आंगन से हम बाबा की झोपड़ी के तरफ, कुटिया के तरफ जा रहे हैं। बाबा धीमे धीमे कुछ रुहान करते हुए हमको झूले पर बिठा देते हैं। तो बाबा और मामा के बीच में मैं बैठा हूँ, झूला झूल रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, आंतरिक खुशी है। फिर बाबा झूले से उतर जाते हैं और बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मुझे बहुत शक्तिशाली पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते मुझे आत्मा के अंदर बहुत पावर भर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा। फिर बाबा अपने कमरे में चले जाते हैं और मैं मम्मा के साथ। मम्मा बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे भंडारे के तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां बाबा का ब्रह्मा भोजन बना, ब्रह्मा वत्सों ने शिव बाबा की याद में बनाया। मम्मा बहुत दिल से मेहनत से अपने हाथों से एक एक गिट्टी मेरे मुंह में डाल रही, मुझे खिला रही। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपने हाथों से खिलाती, वो माँ का तो फिर भी मोह होता है, मोहवश पालना करती है। लेकिन यह अलौकिक माँ रूहानी स्नेह से
आत्मिक दृष्टि से मुझे खिला रहे। और फिर मैं भी अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मा को खिला रहा। कितना अच्छा नजारा है, कितना दिव्य नजारा है ये प्यार पालना, कभी भूल नहीं सकता। बाबा के घर मधुबन में बेहद घर में आकर मैं अपने आप को बहुत स्वतंत्र, सब बातों से फ्री अनुभव कर रहा हूं। फिर मम्मा मुझे बाबा के कमरे में लेकर जा रहे। फिर से बाबा और मम्मा उनके सामने मैं विराजमान। बाबा की दृष्टि मम्मा की दृष्टि से मैं बहुत अशरीरी हो गया। अव्यक्त निराकार और आत्मा भी निराकारी धाम में निराकार भाव के पास मूल वतन में पहुंच गई। इस बेहद के वतन में जो स्वयं प्रकाशित है तो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा ज्योति बिंदु चमक रहा है। आत्मा की नजर उस बिंदु के तरफ भी है ऐसा लग रहा है। ये बिंदु मुझे आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है और मैं बिंदु आत्मा धीरे धीरे उस बिंदु के समीप जा रही और अभी मुझे पूरा खींच लिया एक पावरफुल मैग्नेट के समान। बस मैं बाबा के साथ बिंदु बिंदु में मिल गया। बाबा से मिलकर सर्व खजाने प्राप्त कर भरपूर होकर फिर से साकार वतन में सेवा करने के लिए बाबा की शक्तियां सबको देने के लिए बाबा से विदाई लेकर आ रहा और विश्व ग्लोब पर बैठकर बाबा की
प्राप्त शक्तियां सबको मान रहा, सबके पास वह शक्तियां चली जाए, बाबा के वाइब्रेशंस फैल जाए, बाबा के करंट, बाबा के सकाश, प्रकृति के जड़ तत्वों में भी फैल जाए, सबको मिले। इन संकल्पों से हम 2 मिनट पूर्ण रूप से कंप्लीट साइलेंस में बाबा को याद।